बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते अजय देवगन की बादशाह ने दस्तक दी है। ये फिल्म 1975 के दौर की है, जब देश भर में आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी। इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। क्रिटिक्स के साथ साथ लोगों को भी ये फिल्म बेहद पसंद आ रही है। ऐसे में ट्रेड एनालिसिस को भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। फिल्म यूएई में एक दिन पहले ही रिलीज हुई थी और वहां भी इस फिल्म ने पहले ही दिन 3,84,00,000 रुपए की जबरदस्त कमाई की है। वहीं अब क्रिटिक्स का मानना है कि यह फिल्म भारत में भी पहले दिन शानदार कमाई कर सकती है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म अपने फर्स्ट डे में 12 से 15 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। बता दें कि यह फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म है। अजय से लेकर इमरान और इलियाना से लेकर ईशा गुप्ता तक सभी ने फिल्म में शानदार काम किया है। बादशाहों को थिएटर्स में 40 से 50% ऑक्यूपेंसी मिली है। ऐसे में फिल्म की कमाई में बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। बता दें कि इस फिल्म को मिलन लुथरिया ने डायरेक्ट किया है। बात करें बजट की तो इस फिल्म के प्रोडक्शन पर 60 करोड़ की लागत लगी है। वही प्रिंट्स और एडवर्टाइजिंग पर 20 करोड़ खर्च किए गए हैं। ओवरऑल फिल्म का बजट 80 करोड़ है। साथ ही बादशाहों को वर्ल्ड वाइड 3,242 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। ऐसे में ट्रेड एनालिसिस को लगता है कि ये फिल्म पहले दिन 12 से 15 करोड़ की कमाई कर सकती है। खैर, ये तो अब कल पता ही चल जाएगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका करती है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।